गाइस वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो कैसे हो आप सब? होप करता हूँ कि सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, एकदम बढ़िया होंगे। गाइस मैं आ चुका हूँ रामलीला सीरीज का डे 5 लेके। आई नो गाइस मैंने डे 4 जो है वो मिस कर दिया, जस्ट बिकॉज मेरा डे 4 में जो मैंने रिकॉर्ड किया था मेरा फ़ोन जो है वो फैक्ट्री रीसेट बज गया। मतलब मेरे पास अभी एक भी चीज़ नहीं है डे 4 की। इवन डे 4 की क्या, मेरे फ़ोन में जितना भी डाटा था वो सारा ख़त्म हो गया, तो डे 4 को मैं कुछ डाल नहीं पाया हूँ। आज मैं आ चुका हूँ डे 5 लेके, तो आज फिर से कुछ नया कैप्चर करेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे। जो भी दिखाएंगे बहुत ही बढ़िया लेवल का दिखाएंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, पहला सीन लेके, लेट्स गो। मेरा नाम राम है, कहिए आपको मुझसे क्या काम है? यदि अनुचित ना समझे आप भी अपना नाम और निवास मत बताएं। मैं लंकापति रावण की हमशीर हूँ, खूबसूरती और खूबसीरती में अपने आप में नजीर हूँ। मेरे भाई घर और दूषित भी जहाँ रहते हैं और नाम के लिहाज से मुझे सूरनगा कहते हैं। शक्ति बहुत से राजकुमारों पर मुझ पर है तबीयत आई, मगर मगर बंदी किसी को खाते में न लाए। मेरा यहाँ पर तशरीफ क्यों लाए? इसलिए कि आपने रूपनगर के दिल में जगह है पाई। आपकी ये बात मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आई। देखने में तो अकलमंद मालूम होते हो, मगर वो बुरे सुधर। हाजी आप मेरे खामिर और मैं आपकी लुगाई, अब तो समझे मेरे बाप के जमाई। जब आप अच्छे अच्छे राजकुमारों को खातिर में नहीं लाई, तो हम सन्यासी फकीरों से शादी करने की तुम क्यों सुनाई? इसलिए कि तबीयत है जहां आए, फिर कौन बाछा और कैसी गुदाए। अफसोस कि मैं तुम्हारी अभिलाषा पूरी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी अर्धांगिनी मेरे साथ है। हाँ, अगर लक्ष्मण इस बात को मंजूर करे तो बड़ी खुशी की बात है। इसलिए आप हमके पास जाइए और अपना दिले अभिप्राय भूम जताइए, क्योंकि वे इस वक्त अकेला है और पैसे भी बड़ा जवान अलबेला है। हाजी मैं तो उनसे ऐसे ही दिल लगी करती थी, वास्तव में आप ही मोहब्बत के दम पर थे। मैं काला को लूटा, आप उसका खोटा। आदमी ना आदमियों से सूरत, भला मुझे उससे शादी करने की क्या जरूरत? जब तक छूंगी आपके चरण को कभी। मेरी खुशनसीबी का क्या ठिकाना है, जबकि तुम जैसी चंद्रमुखी मेरी प्रेमी की तबीयत मुझ पर घायल हो गई और मेरे एक ही नेत्रबाण से घायल हो गई। रंग है कि कुंडल की तरह दमक रहा है और खूबसूरती में भी निसंदेह बेमिसाल हो। तो फिर किस बात का इजहार है? क्योंकि मैं भैया रामचंद्र जी का सेवक हूं, इसलिए मेरे साथ शादी करने में तुम्हारी तमाम उम्र के लिए मिट्टी खराब है। तो बस आपकी तरफ से मुझे साफ इनकार है। हाँ, आपकी और भैया की जोड़ी खूब सस्ती है। एक माह है
तो दूसरा मैं बाप हूं। मगर वे कहते थे दूसरी शादी मेरे लिए भाई से अजाब है। मजाक की तो उनकी पुरानी आदत है, अन्यथा दिल तो उनका भी सच बेताब है। अजी अभी जाती हूँ और कुछ काम बनाती हूँ। अजी आपने मुझे किस नामलों के पास भेज दिया? शोकरा तो अलबेला जवान है, भला बिल्कुल नादान है और इन बातों की उसको क्या पहचान है। आप तो कहते थे कि बड़ा अलबेला जवान है, भला मैं तो अला दर्जे का बदतमीज इंसान है। शक्ल से तो भला मालूम होता था, शकल देखो दूर से इतनी बदबू आई कि मैं उल्टे पांव ही दौड़ी आई। देवी मुझ पर मेहरबानी करो और अपने फैसले पर दोबारा नजरसानी करो। संभव है कि तुमने उसको समझने में गलती खाई है, वो तो सिर्फ तुम्हें अजमाइश कर रहा था। यदि तू सती है तो बेबावजूद शादी के अब भी जदी है। अच्छी काहे का जदी है, जितना बदसूरत है उससे बदतर मूढ़मती है। आप तो मुझे जू ही जेब देते हैं और आपके हाथ गले में जेब देते हैं। हम मेरे हाथ तीर हैं जो आपके सीने में चुभ जाएंगे। देवी जहां तक पाए किसी और के साथ करो और जरा मुंह से बात करो। मेरे हाथ में कौन से कांटे हैं जो आपको चुभ जाएंगे, जहां तीर है कि आपके दिल में चुभ जाएंगे। देवी मैं एक बार कह चुका हूं कि मेरी ना सिर्फ शादी हो चुकी है बल्कि मेरी पत्नी मेरे संग है। शादी हो चुकी तो क्या हुआ, राजे महाराजे तो बहुत सी शादियों में रंगीन रहते हैं। ये धर्म के विरुद्ध है, वे महापाप करते हैं। तुम्हारी यहाँ पे बिल्कुल दाल नहीं गलेगी, आखिर निराश होकर ही जाओगी। तुम्हारी जोड़ी तो लक्ष्मण के साथ ही मिलेगी। अच्छी हाँ भी थोड़ा ठहर जाइए। अच्छी आपने मुझे किस नंगलों के पास भेज दिया जिसको ना बोलने का तरीका ना बात करने का सलीका। शक्ल देखो तो जैसे कई बरसों का मरीज, तीन कोस से ऐसी बदबू आई कि मैं उल्टे पांव ही दौड़ी आई। भला मैं आपको छोड़कर कहां जा सकती हूँ और किसी और को कैसे खातिर में ला सकती हूं। मैं तो जिस लायक था
वैसे ही काली कलोटी उसको मिल गई है, वो दोनों की अच्छी जोड़ी हो गई। अब हम और तुम बाकी सब लोग जो शत्रु जो शख्स दूसरे का गुलाम हो वह तुम जैसी सुंदरी के साथ किस कदर हम गुलाम हो। अगर तुमको नहीं तो मुझको तो अपने रुपये का ख्याल है, इसलिए तुम्हारे हुक्म की ताबीज करना मेरे लिए सख्त मुहाल है। तेरा जादू नहीं चल सकता, मैं जाती हूं और पहले रामचंद्र को पटाती हूं। लक्ष्मण हमारा पीछा छोड़ा तो अब जे सीता की तरफ लग रही है, इसको इस टीका टीका दंड दे दो। नहीं नहीं अबे हां प्रकाश जी चिकित्सा हमारा डे फाइव। होपफुली डे फाइव आपको अच्छा लगा होगा। डे फाइव की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ कल एक और न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, जय श्री राम।